हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिबा इनू और शिबा स्वैप से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। साथ ही शिबा इनू का प्राइस जुलाई में कितना पंप कर सकता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि शिबा इनू से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। दोस्तों, अगर बात करें मार्केट की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी शिबा इनू का प्राइस चल रहा है लगभग इंडियन रुपीज़ में 0.0061 और 24 घंटे में लगभग 1.31% नीचे की ओर आया मार्केट 28 और लोएस्ट प्राइस गया है 0.0060 तक, हाईएस्ट गया है 0.0063 तक। एक प्रकार से कहें तो लगभग 3 से 4 दिनों में ये स्टडी हो गया है, मतलब इसका प्राइस अराउंड इसी के घूम रहा है। और अगर हम यहां पर चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं वनडे का चार्ट, जहां आपको ये ऊपर की ओर दिखाई दे रहा था लेकिन अब आप देखेंगे तो नीचे जा रहा है फिर वापस से ऊपर, मतलब एक तरीके से निरंतर वैसा का वैसा ही चल रहा है। लगातार 3 से 4 दिनों तक इसका प्राइस अराउंड 0.0006 के आसपास ही घूम रहा है। अगर आपके पास यहाँ 100 रुपये हैं तो आप लगभग यहाँ से 1,63,000 कॉइन खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें ट्रेडिंग वॉल्यूम की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 42% नीचे की ओर आया है। कई लोगों ने यहाँ पर इसे सेल किया हुआ है, मतलब जो पुराने लोग थे जिन्होंने इसे कम प्राइस में खरीदा है उन्होंने सेल किया है, लेकिन जिन्होंने ज़्यादा में लिया है इसे दोस्तों उनको अभी होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि इसका अच्छा खासा फ्यूचर है। और भले ही एक मीम कॉइन है लेकिन आपको पता होगा ये कंपटीशन में आया था डॉज कॉइन के, और इसका जो नाम था वो डॉज कॉइन किलर भी था। और डॉज कॉइन के बारे में आप जानते ही होंगे जो 0.50 था लगभग दिसंबर में पिछले साल, और अभी आप देख रहे हैं तो अभी लगभग उसका प्राइस है 20 रुपये के अराउंड, और कुछ दिनों पहले लगभग अप्रैल के आसपास उसका प्राइस गया था 55 रुपये। तो यहाँ पर शिबा इनू का प्राइस भी अच्छा खासा जा सकता है लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए आपको होल्ड करके रखना है, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना पड़ेगा शिबा इनू का। आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो लगभग 2.14%, वो भी नीचे की ओर आया है। और यहां पर अगर हम देखें यस्टरडे चेंज तो कल से लगभग अभी इसका प्राइस 5.44% नीचे की ओर दिखाई दे रहा है इस समय तक का। ऑल टाइम हाई अभी भी लगभग 78% नीचे है जो हर कॉइन का रहता है। ऑल टाइम हाई गया था 10 मई को जो गया था 0.0028। अब आते हैं ट्विटर पर जहां से कुछ गुड न्यूज निकल कर आ रही है। हम आ गए हैं सितोशी कुसामा के ट्विटर हैंडल पर और इनको आप जानते ही होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं शिब आर्मी सम कॉल मी अ हीरो मेनी कॉल मी द प्रिंस प्रोजेक्ट मैनेजर और शिव इनका प्रोफाइल है और लगभग आप देखिए इनके 109 के फॉलोअर्स भी है। और इन्होंने यहां पर एक रीट्वीट किया हुआ है जो लगभग 4 आवर्स पहले का था। टॉप 30 ट्रेंडिंग कॉइन्स की अगर हम बात करें 26 जून से 2 जुलाई के बीच, मतलब इस वीक की जो लिस्ट है ये, उसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा सरप्राइज होना चाहिए आपको क्योंकि शिबा थोड़ा नीचे था, लेकिन ज़्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि शिबा अभी नंबर 1 पर रैंक कर रहा है जो एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जब कई प्रकार की लिस्ट जारी हो रही थी कॉइन जेको या कॉइन मार्केट कैप की तरफ से एशिया की कनाडा की जो लिस्ट हो रही थी टॉप टोकन्स की, उसमें शिबा जरूर था लेकिन नंबर 1 पर नहीं दिखाई दे रहा था, लगभग नंबर 4 पर नंबर 5 पर, मतलब टॉप 10 में था। लेकिन अगर आप यहां पर देखें टॉप 30 में नंबर 1 पर शिबा इनू है। नंबर 2 पर आप देख सकते हैं आईसी इंटरनेट कंप्यूटर जो अभी के समय में बहुत ज्यादा उसका प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है, कई लोग इसे ले रहे हैं, इसका प्राइस अच्छा खासा है अभी के समय में अगर आप इसे खरीदे तो यहां पर आप देखें शिबा इनू नंबर 1 पर है मार्केट कैप लगभग $4 बिलियन। दोस्तों, कई लोग ये कह रहे हैं कि शिट कॉइन है, डेट कॉइन है, कहीं ऊपर नहीं जाने वाला, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जब इसकी कम्युनिटी इतनी ज्यादा ब्रॉडर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसे खरीद रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में से ऐड कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है वो एक तरीके से सोच समझ के किया होगा। तो आप भी अगर अपने पोर्टफोलियो में इसे ऐड कर रहे हैं या करा हुआ है तो आप इसके साथ थोड़े दिन बने रहें क्योंकि ये आने वाले समय में आपको प्रॉफिट देकर जा सकता है। अगर आप ये कहें कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी हर कॉइन अगर आप देखें पूरा मार्केट क्रिप्टो का देखें तो कुछ महीनों से बहुत ऐसी न्यूज़ आ रही थी नेगेटिव जिस वजह से पूरा मार्केट डाउन में जा रहा था। और अभी भी आप देखें तो बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, मतलब एक तरीके से स्टेबल हो गया है, अब थोड़ा ऊपर की ओर आ रहा है लेकिन आपने देखा होगा कितना ज्यादा नीचे की ओर गया था, लगभग 22-23 लाख के आसपास आ गया था। इस लिहाज से आप समझ जाइए कि इसका प्राइस अभी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा समय लगेगा जब तक पूरा क्रिप्टो मार्केट ऊपर की ओर आएगा और स्टेबल होगा तभी जाकर इसका प्राइस भी बढ़ेगा। क्योंकि शिबा इनू से रिलेटेड बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है जो निकल कर आने वाली है, मतलब अनाउंसमेंट जरूर हो चुका है लेकिन अभी तक कंफर्मेशन न्यूज नहीं आई है, कई प्रकार की अपडेट्स जो है वो आपको पता होगी। अब आप यहां पर एक और अपडेट देख सकते हैं सितोशी कुसामा का जो ट्वीट था लगभग 18 आवर्स पहले। यहां पर आप देखिए मैन आई लव द वीकेंड डोंट यू, मतलब इनका कहना है कि मैं वीकेंड को पसंद करता हूं, क्या आप नहीं करते हैं। और इस ट्वीट को आपको मैं दिखाता हूं, आप यहां पर देख सकते हैं तो कई लोगों का यहां पर रिप्लाई भी आया प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट लिस्ट नो वन टॉक्स अबाउट इट, मतलब यहां पर कई लोगों ने यह भी कहा कि वीकेंड का मतलब होगा कि क्या मतलब वीकेंड में आने वाला है शिबा स्वैप, कई लोगों ने इससे जोड़ लिया है इस ट्वीट को भी, क्या शिबा स्वैप जो है वीकेंड पर लॉन्च होने वाला है।
लेकिन दोस्तों सीबा स्वैप से रिलेटेड एक न्यूज़ ये है कि सीबा स्वैप लॉन्च होगा तो वो इंस्टेंटली लॉन्च होगा, मतलब अब कहीं पर किसी अपडेट नहीं निकल कर आएगी, लॉन्च होगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि सीबा स्वैप आ चुका है, तो एक अच्छी बात है, बहुत जल्द लॉन्च होगा क्योंकि कई प्रकार के अनाउंसमेंट हो चुके हैं, ट्यूटोरियल आ चुके हैं, लेकिन अभी तक क्लियरली सीबा स्वैप लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द होगा ऐसा इनकी तरफ से हमेशा से ट्वीट आता रहता है। कुछ और ट्वीट आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जो यहाँ पर डीजे जेवाय का आप देख सकते हैं, असेंबल सीबा आर्मी, यहाँ पर लगभग 18 आवर्स पहले ट्वीट किया, उसके पहले हुज रेडी फॉर सीबा स्वैप, मतलब ये कह रहे हैं कि कौन रेडी है, मतलब यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि कई प्रकार के सेलिब्रिटी जो नए नए आ रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट कॉइन खरीदा है तो वो भी सीबा ही खरीदा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कम्युनिटी ब्रॉडर हो गई है, मतलब कई प्रकार की, आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी जहाँ पर बिटकॉइन को इतने ज्यादा लोग नहीं जान पा रहे, सर्च नहीं कर पा रहे हैं जितना ज्यादा अभी सीबा हो रहा है। ट्रेंडिंग में भी आपने देखा होगा, इंडिया में भी कई बार ट्रेंडिंग में आ रहा था क्रिप्टो करेंसी में सीबा, तो दोस्तों सीबा ऐसे ही इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, इसका फ्यूचर है, मीम कॉइन जरूर है, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो फ्यूचर में यह आपको कभी भी लखपति या करोड़पति बना सकता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, यह आप खुद भी जानते हैं, क्योंकि आप यह सोच रहे हैं लगभग हमें 3 महीने हो गए होंगे, 4 महीने हो गए होंगे होल्ड करके रखा, अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है, तो दोस्तों अभी तक नहीं हो रहा है, लेकिन इससे जुड़े कुछ इवेंट्स है जो आने वाले हैं, चाहे हम बात करें कॉइनबेस प्रो पर लिस्टिंग की, जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें रॉबिनहुड पर लिस्टिंग की, तो वो भी होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, और साथ ही दोस्तों सीबा स्वैप और इन तीनों के एक साथ आ जाने से आप समझ सकते हैं कि इसका प्राइस कितना इंक्रीज होगा। एलन मस्क ने एक ट्वीट भी किया था, आप जानते ही हैं सीबा से रिलेटेड, तो होपफुली दोस्तों कुछ और अच्छी गुड न्यूज़ बहुत जल्द निकल कर आएगी जिससे सीबा का प्राइस सच में बहुत ऊपर की ओर जाएगा। और कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।